सरकारी प्राइमरी स्कूल में मांसाहारी खाना बनाने में इस्तेमाल किए गए बर्तनों में बना मिड डे मील न खाने पर शिक्षकों को धमकाने का मामला सामने आया है। स्कूल की प्रधान अध्यापिका और उसके टीचर पति पर शिक्षकों को धमकाने का आरोप है। स्कूल की प्रधान अध्यापिका नजीफा बेगम पर मांसाहारी खाना बनाने में इस्तेमाल किए गए बर्तनों में बना मिड डे मील खाने के दबाव के लिए स्कूल में अपने समर्थक ग्रामीणों को बुलाकर हंगामा करने का आरोप है। पीड़ित टीचर नंबत्ती ने स्कूल में हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर किया वायरल। स्कूल में हंगामे का वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षा महकमे में मचा हड़कंप। बीएसए वीरेंद्र प्रताप सिंह ने प्रधान अध्यापिका नजीफा बेगम को किया निलंबित। आज सुबह जब मैं विद्यालय में आई और 9 बजे मैंने प्रेयर करानी शुरू की, उसके बाद गाँव के 40-50 लोग स्कूल में आते हैं, उनके बारे में हमें पूर्व में जानकारी नहीं थी। अब वो हमसे यहाँ पर खाना खाने के लिए दबाव डालते हैं कि आपको स्कूल में रहना है तो खाना खाना ही पड़ेगा, परंतु जिस बर्तन में खाना मिलता है उसको ये अपने घर लेके गए कि ठीक कराना है हमें, वो ख़राब हो रहा है। फिर उसके बाद उन्होंने उसमें मीट वगैरह बनाया। ऐसे बर्तन में हम खाना नहीं खा सकते क्योंकि हम नॉनवेज नहीं खाते हैं। और इन पर दबाव और हम ये हमारे ऊपर दबाव बनवा रहे थे कि आपको ये खाना खाना ही पड़ेगा, हम ऐसे दबाव में कैसे रह सकते हैं। तो मेरा अच्छा मैं अमित कुमार, सहायक अध्यापक राया बुजुर्ग। आज विद्यालय समय 9 बजे स्कूल में आता हूँ। स्कूल में आने के बाद बच्चों को प्रेयर कराई, प्रेयर कराने के बाद मैं क्लास में चला जाता हूँ। क्लास में जाने के बाद गांव के 40-50 लोग आते हैं, जो पहले से ही प्री प्लान था वो लोग इकट्ठे हो जाते हैं। और जो हमारे स्कूल के इंचार्ज हैं वो उन लोगों को इकट्ठा करते हैं और हमको फिर क्लास से बुलाया जाता है कि आप पढ़ाखा पढ़ाए नहीं, पहले यहाँ आइए। यहाँ आने के बाद वो अपनी बात रखते हैं। सबसे पहले बात आती है खाने की। खाने में जैसे मैडम ने बताया कि वो कहते हैं कि आपको खाना खाना पड़ेगा, या तो खाना खाओ या फिर घर जाओ। तो इस चीज़ को लेके मैडम का विरोध पहले से ही बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है कि वो स्कूल में खाना नहीं खाएंगी। उसके पीछे कारण जो है वो स्पष्ट है कि ये जो स्कूल के जो बर्तन हैं कूकर या बोर हैं वगैरह को खल लेके जाते हैं, उसमें जो